आज देश भर में भगवान श्री दत्तात्रेय जी की जयंती उत्साह से मनाई जा रही है। भगवान दत्तात्रेय की जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन यानी कि 29 दिसंबर को मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप है। मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। इन्हीं के नाम पर दत्त संप्रदाय का उदय हुआ। दक्षिण भारत समेत महाराष्ट्र राज्य में भी भगवान दत्तात्रेय की कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। भगवान दत्तात्रेय जी की जयंती के दिन हर साल तीर्थ क्षेत्र आलंदी में बड़े हर्षोल्लास से दत्त जयंती महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन के पालन करते हुए कम भक्तों की उपस्थिति में ही इस साल दत्त जयंती मनाई जा रही है। आज इस पावन पर्व पर तीर्थ क्षेत्र आलंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के पावन संजीवनी समाधि पर सुबह से ही जल अभिषेक महापूजा सम्पन्न हुई। साथ ही समाधि मंदिर में फूलों से भगवान दत्तात्रेय जी की प्रतिकृति बनाई गई और गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तों को दर्शन की अनुमति दी गई। आज कई भक्तों ने भगवान दत्तात्रेय के स्वरूप में संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के पावन संजीवनी समाधि का दर्शन किया और साथ ही भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना करते हुए बड़े उत्साह से दत्त जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज़, आलंदी।